हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन सिनेमा रिव्यू। इसमें आप आज देखेंगे KGF चैप्टर 2 रिव्यू। दोस्तों वैसे तो मैं बहुत दिनों से रिव्यू चैनल स्टार्ट करने का सोच रहा था, लेकिन किसी बड़ी मूवी या तूफान का वेट कर रहा था जो कि अंततः आ ही गया। रॉकी भाई यस ने तो मूवी में आग ही लगा दी। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक उन्होंने जिस तरह से अपना जादू चलाया वो वाकई काबिल तारीफ था। कल मैंने भी 20 मूवी देखी, वन टाइम वॉच मूवी लगे मुझे। थलपति विजय का अलग ही जादू था उसमें। लेकिन आज जब मैंने KGF चैप्टर 2 देखा, भाई साहब जबरदस्त मूवी, आज तक का मेरा बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस जो आपको केवल थिएटर में ही मिल सकता है। दोस्तों अधीरा के रोल में संजय दत्त रॉकी भाई को बराबर की टक्कर दे रहे हैं और संजय दत्त ने भी बहुत बढ़िया अभिनय किया है। मूवी में रवीना टंडन पॉलिटिशियन के रोल में हैं, खुद को बहुत बखूबी उतारा है उन्होंने। इनकी एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। रीमा यानी श्रीनिधि शेट्टी बहुत ही गजब का रोल है इनका मूवी में, और बाकी जो अन्य कैरेक्टर्स हैं मूवी के वो भी मूवी में अहम रोल अदा करते हैं। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़बरदस्त है जो लोगों को अपनी सीटों से बांधे रखता है, और मूवी का जादू लोगों पर चलता रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने जो डायरेक्शन दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। लोग जो KGF चैप्टर 2 का इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, ये उस इंतज़ार का फल है। आप इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देखें, और आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।